यूपी में सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ की पहली परीक्षा आज। निकाय चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग। निकाय चुनाव में 24 जिलों की 71 नगर पालिका और 154 नगर पंचायतों में वोटिंग। निकाय चुनाव में मतदान से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा की। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पूजा कर जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। यूपी में गाजियाबाद के लोनी में मेयर चुनाव की प्रत्याशी के पति को गोली मारी। हमलावरों का अब तक कोई सुराग नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का मजाक बनाने वाले यूथ कांग्रेस के कार्टून पर बवाल। बाद में ट्वीट डिलीट किया। बीजेपी ने गरीबों के साथ मजाक बताया। कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा। गुजरात के अहमदाबाद में हार्दिक पटेल सुबह 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाटीदारों के अंदरूनी झगड़े और कांग्रेस से आरक्षण के मुद्दे पर हुई बातचीत पर बोल सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कल शाम से आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी। सेना का एक जवान शहीद और दो घायल। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। कोलकाता में एसटीएफ की टीम ने इंटेलिजेंस की सूचना पर अलकायदा के आतंकी समेत 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पासपोर्ट, लैपटॉप, अलकायदा से जुड़े दस्तावेज बरामद। महाराष्ट्र के चर्चित पोपडी दुष्कर्म और हत्याकांड के दोषियों को आज मिलेगी सजा। विशेष अदालत ने 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है। प्रद्युमन केस में आरोपी बस कंडक्टर अशोक आज होगा जमानत पर रिहा। अशोक को गुड़गांव कोर्ट से कल ही जमानत मिली है, जिसके बाद आज शाम 4 बजे तक उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद की नजरबंदी का वक्त बढ़ाने पर पाकिस्तान की कोर्ट आज करेगी फैसला। हाफिज सईद ने दी थी आदेश को चुनौती। 30 जनवरी से 26 नवंबर तक नजरबंद है हाफिज। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।